हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सहवाज अहमद की, उस सहवाज अहमद की जिसने अपने प्रैक्टिस और अपनी मेहनत के दम पे अपनी जगह आरसीबी के टीम में बनाई। क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि मैं इस स्टेट से हूँ, क्या मैं दूसरे स्टेट से खेल सकता हूँ या नहीं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आप किस स्टेट से हो, ये उतना मायने नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है आपका प्रदर्शन, आपकी मेहनत। अगर आप बेस्ट हो ना, तो आप कहीं से भी खेल सकते हो। इसको प्रूफ कर दिया सहवाज अहमद ने। 12 दिसंबर 1994 में जन्मे सहवाज अहमद के करियर में एक दिन ऐसा भी आया था कि जिस दिन उसे ड्रेस ना होने की वजह से क्लब में प्रैक्टिस तक नहीं करने दिया गया था। और एक आज का दिन है कि सहवाज अहमद विराट कोहली के साथ आरसीबी का ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। सहवाज ने अपनी शुरुआत की प्रैक्टिस हरियाणा में ही की थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोलकाता शिफ्ट होना चाहिए और वहाँ पे जम के प्रैक्टिस करनी चाहिए। सहवाज ने अपने घर वालों से बात की और अपनी पूरी प्लानिंग कोलकाता जाने की कर ली। और वहाँ कोलकाता में उन्होंने 6 साल मेहनत किया और उनके मेहनत का ही नतीजा था कि उनको बंगाल के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। बंगाल के लिए सहवाज ने 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी में पदार्पण किया और साथ साथ लिस्ट ए क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। 2020 IPL शुरू होने से पहले सहवाज बंगाल के लिए 9 फर्स्ट क्लास मैचेज, 16 लिस्ट ए मैचेज और 16 T20 खेल चुके थे। उसी का नतीजा हुआ कि उन्हें IPL के लिए RCB की टीम में चुन लिया गया, उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए। सहवाज बताते कि जब वो हरियाणा में मेवट में प्रैक्टिस किया करते थे तो उनके कोच मंसूर अली सर, जो कि गुड़गांव में भी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो उनके कोच हुआ करते थे। सहवाज की मेहनत का ही नतीजा था कि उनको इंडिया ए और देवधर ट्रॉफी के लिए 2019-20 के सेशन के लिए चुन लिया गया था। सहवाज अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनके दोस्त के कहने पे वो कोलकाता प्रैक्टिस करने आए थे और अरुण लाल सर ने उनकी काफ़ी मदद की, वो शायद उसी एकेडमी में प्रैक्टिस भी करते थे। सहवाज ये भी बताते हैं कि उन्हें एड्रेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ CAB में, जिसमें उनकी CAB ने काफ़ी मदद भी की। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ पे CAB का मतलब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है। ये सहवाज के बेहतरीन प्रदर्शन का ही नतीजा था कि वो दूसरे स्टेट के होते हुए भी बंगाल की रणजी ट्रॉफी टीम से खेल गए। उनकी मेहनत रंग लाई और उनके प्रदर्शन में इतना दम तो था ही कि वो बंगाल की रणजी ट्रॉफी टीम में अपनी जगह बना सके, दूसरे स्टेट का होते हुए भी। सहवाज को घर वालों से काफ़ी सपोर्ट था, खास करके उनके पिताजी और उनके चाचा जो थे वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। सहवाज ने कई बार अपना 11th और 12th क्लास बंक भी किया, जिस वजह से उन्हें घर पर डांट भी पड़ती थी, लेकिन फैमिली का पूरा सपोर्ट होने की वजह से कभी उन्हें परेशानी नहीं हुई। इस कहानी से दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को सीख जो मिलती है और एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है वो ये है कि आप कहीं से भी हो, आपका प्रदर्शन मैटर करता है, आपका जगह लोकेशन कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, वो कुछ हद तक मैटर करता है, लेकिन अगर आपका प्रदर्शन बेहतरीन होगा तो वो चीज़ उस चीज़ को भी ढक देगी। इसीलिए अगर आपका क्रिकेटर बनने का सपना है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपने गेम बनाने पर ध्यान दे दोस्तों। नेम एक ना एक दिन खुद बन जाएगा और आपका प्रदर्शन बहुत कुछ सही कर सकता है आपकी लाइफ में। आपको बता दें कि सहवाज बंगाल की रणजी टीम में अभी बहुत ही अहम हिस्सा हैं और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हैं। तो अगर आप लोग का भी ये प्रॉब्लम था कि स्टेट मैटर करता है कि नहीं करता है, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई हो और आपको पता चला हो कि बस टैलेंट मैटर करता है, स्टेट जगह मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट सब कुछ है आपके लिए। और मैं वीडियो को लास्ट करते करते आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हरियाणा का खेलने वाला लड़का बंगाल की रणजी टीम में अपने प्रदर्शन के दम पे जगह बना सकता है और वहाँ से विराट कोहली और AV de Villiers जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ RCB में ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो बस सपने नहीं देखते, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। 27 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाला वरुण चक्रवर्ती 28 साल की एज में IPL के लिए सेलेक्ट हो जाता है, 29वें साल में उसका सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अगर 42 साल की एज में प्रवीण तांबे बिना स्टेट बिना रणजी ट्रॉफी खेले IPL खेल सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड, लाइफ में कभी हार मत मानो दोस्तों, हो सकता है अगला बायोग्राफी आपका हो। जी हाँ, आपका।